Narendra Modi touched upon coal auction and FM spectrum auction in his Independence Day speech and said it takes years to get rid of termites of corruption. समय सीमा में कोयले का ऑक्शन हुआ और करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने में आएंगे. भाइयों बहनों, आप अपने आत्मा से पूछिए, क्या भ्रष्टाचार गया कि नहीं गया? दलालों का ठेका गया कि नहीं गया? हिंदुस्तान की संपत्ति को लूटने वालों के दरवाजे बंद हुए कि नहीं हुए? मैंने कोई भाषण नहीं दिया था, करके दिखा. अभी FM रेडियो का ऑक्शन चल रहा है, बड़े बड़े लोग परेशान हैं. मुझ पे बहुत दबाव डाला गया कि मोदी जी FM रेडियो, रेडियो तो सामान्य व्यक्ति को काम आता है, कोई कमाई नहीं होती है, आप FM रेडियो का ऑक्शन क्यों करते? बहुत दबाव डाला गया था, हर प्रकार से मेरा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास हुआ था. लेकिन हमने कहा 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया ट्रांसपेरेंसी चाहती है, पारदर्शिता चाहती है. और अभी FM रेडियो के करीब करीब 80-85 शहरों का ऑक्शन चल रहा है. परसों जब मैंने पूछा, ऑक्शन में 1000 करोड़ से तो ऊपर चला गया था. ये पैसा गरीब के काम आने वाला है. दीमक को अगर खत्म करना है तो हर स्क्वायर मीटर पे हर महीने इंजेक्शन लगाते रहना पड़ता है, तब जाकर के सालों प्रयास करने के बाद दीमक से मुक्ति मिलती है. इतने बड़े देश में भी भ्रष्टाचार रूपी दीमक से मुक्ति के लिए अनेक प्रकार के कोटि कोटि प्रयासों की आवश्यकता है और उसे किया भी जा सकता है. Powered by NNIS.